हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोनट बनाने की परफेक्ट रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच वार्म वाटर यानी कि गुनगुना सा पानी, और उसमें डाली है 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी को हमें घुलने तक मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच ड्राई ईस्ट। मैंने यहाँ पर एक्टिव ड्राई ईस्ट लिया है। अगर आप इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ले तो वो ऐसे ही आटे में डाल सकते हैं, पर एक्टिव ड्राई ईस्ट को हमें पहले गुनगुने से पानी में डालकर इस तरीके से हमें 15 मिनट के लिए ढककर रखना है, जिससे कि ये एक्टिव हो जाए। देखिए किस तरीके से ईस्ट एक्टिव हो रहा है। और फिर 15 मिनट बाद चेक करेंगे तो देखिए ईस्ट अच्छे से तैयार है, एक्टिव हो गया है। अभी लगाना है डोनट के लिए आटा। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा, 3 चम्मच चीनी, मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर लिए, थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच दही। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने जो ईस्ट को एक्टिव किया था उसका पानी हमें इसमें डालना है। ईस्ट सारा का सारा ईस्ट हमें इस आटे में डालना है और इस आटे को गूंथना है। और ध्यान रखिए, आटे को गूंथने के लिए हमें यहाँ पर दूध का यूज़ करना है, और दूध भी थोड़ा सा गुनगुना सा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना ले। चलिए तो डोनट का आटा गूंथ कर तैयार है। अब इस आटे पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे अच्छे से हाथ से मस लेंगे। हाथ से मसलने के बाद फिर से इस तरीके से आटे को अच्छे से सेट कर एक बाउल में रखेंगे। ऊपर से फिर से थोड़ा सा ऑयल डालिए, जिससे कि हमारा आटा फूलने पर चिपके नहीं इस बाउल को। तो ऑयल डालने के बाद इसे ढककर रखना है इस तरीके से। कोई भी टॉयल हो या फिर आपके पास एयर टाइट डब्बा है तो आप डब्बे में भी ढक्कन लगाकर इसे रख सकते हैं, अच्छे से फूलेगा। और देखिए 1 घंटे बाद चेक करेंगे। 1 घंटे तक हमें इस आटे को ढककर रखना है। और देखिए 1 घंटे बाद ये आटा डबल हो गया है। देखिए पहले कितनी साइज़ थी और अब इसकी साइज़ डबल हो गई है। इस पर डालेंगे थोड़ा सा आटा, जिससे कि हाथ में चिपके ना, और बाद में करेंगे पंच। देखिए सारी की सारी हवा हमें इसकी निकालनी है। इस आटे में जो हवा भर गई थी 1 घंटे तक, वो हमें सारी की सारी निकालनी है। और देखिए आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। अभी एक चकले पर ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और आटे को अच्छे से मसलना है, जिससे कि आटा सॉफ्ट बने। और ध्यान रखिए, ईस्ट के 2 प्रकार होते हैं, एक एक्टिव ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट। मैंने यहाँ पर एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ किया है। अगर आपको इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करना है तो वो भी परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ज़्यादा करके बेकर्स इंस्टेंट ईस्ट ही यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कभी फेल नहीं होता। एक्टिव ईस्ट की फेल होने की चांसेस होते हैं। चलिए तो मैंने 1-2 मिनट तक आटे को अच्छे से मसल लिया है, जिससे कि वो सॉफ्ट बने, और आटा अच्छे से सॉफ्ट बन गया है। तो देखिए मैंने लिया है यहाँ पर आटे का एक बॉल, और हमें इस बॉल पर थोड़ा सा आटा डालकर यानी कि मैदा डालकर इसे बेलना है। और ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर इसे रोटी जैसा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा रखिए, जिससे कि हमारे डोनट अच्छे बनेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें मोटा सा इसे बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे बेलना है, सेमी थिक। और अब इसे कटर से करेंगे कट। तो मैंने यहाँ पर कोई कटर का यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पर घर की सिंपल सी कटोरी से इस पर गोल शेप दे दिया है। आपके पास भी ऐसी कटोरी हो तो आप कटोरी से इसे शेप दे सकते हैं। कटोरी हो या फिर ग्लास हो, आप इससे भी इसे शेप दे सकते हैं। और यहाँ पर यूज़ किया है मैंने नोज़ल का, तो आप इसके जगह हमारे बॉटल पर जो छोटे छोटे ढक्कन आते हैं, बॉटल के ढक्कन से भी आप इसे शेप दे सकते हैं। उससे भी अच्छे से डोनट बनकर तैयार होते। और आप ये डोनट अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रोटी से 3 डोनट बना लिए। अब करेंगे इसे फ्राई। तो ध्यान रखिए, अगर आपको बहुत सारे डोनट बनाने हैं तो डोनट बनाकर इस तरीके से ढककर रखिए। तो मैंने लिया यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल, और ऑयल हो गया है अच्छे से गर्म। तो ध्यान रखिए, ऑयल शुरुआत में गर्म होना चाहिए, और डोनट डालने के बाद गैस की फ्लेम लो मीडियम पर कर दीजिएगा, और हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और देखिए डोनट अच्छे से फूल गए हैं, फूल कर ऊपर आ गए और अच्छे से फ्राई हो गए। तो मैं इसे कढ़ाई में से निकाल लूँगी। और देखिए सारे के सारे डोनट मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए। यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप में मैं इसे डिप कर रख दूँगी। मैंने यहाँ पर मोरडे डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है थोड़ा सा दूध मिलाकर। आप चाहे तो रेडीमेड चॉकलेट सॉस का भी या फिर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब लगाएंगे स्टार स्प्रिंकल से हमें इसे सजाना है, जिससे कि हमारे डोनट अच्छे दिखे। खाने में तो ये टेस्टी और स्पॉन्जी बने ही है। एक कप आटे से आपके पूरे 10 डोनट बनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर 6 ही दिखाए, पर मेरे 10 डोनट बन गए थे पूरे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये डोनट की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपी आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।